नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज आपको बताते हैं चने की बोनी की विधि, कैसे चना बोया जाए, इसका उत्पादन कैसे बढ़े किसान का। सबसे पहले तो हम आपके खेत की तैयारी की बात करेंगे। हमने दो तीन बार कल्टीवेटर से इसको बखन्नी करके इसको प्लेन किया, बढ़िया गहरी जुताई की, उसके बाद रोटावेटर चलाया, फिर हमने इसमें पलेवा किया। पलेवा करके हमने गोवंश जो बैल हैं उनसे इसको बखरवाया। उसका कारण है कि बखर बैल से यदि हम खेत को बखरवाते हैं तो नीचे जो है जमीन भुरभुरी और पानी, इसकी पानी पीने की क्षमता अधिक हो जाती है। फिर बताते हैं कि चने का जो हमने सीड ट्रीटमेंट किया है, आपसे ये बताएं, देखो ये हमने सीड ट्रीटमेंट किया है, ये किया है कार्बनडा जिम 12% प्लस मेन को। किसान भाइयों, इससे क्या है कि हमारी दीमक वगैरह है और जो चने में ओगरा वगैरह है इसका ये लगता नहीं है। ये हमें सीड जो बीज का ट्रीटमेंट है वो अवश्य करना चाहिए। फिर हम आपको बताते हैं तीसरा सीड ड्रिल का। सीड ड्रिल में हमको सारे सिस्टम बोने से पहले बिल्कुल सुचारू रूप से इसको चला के देख लेना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं सीड ड्रिल का। ये हमारी विजय की सीड ड्रिल है। लगभग हमने इसको मतलब 1997 में खरीदा था। लगभग ये आज वही 23-24 साल की सीड ड्रिल हो गई है। प्रिय किसान भाइयों, विजय वालों का इतना बढ़िया काम है कि ये हम सालों साल चला रहे हैं और आज भी हमारी सीड ड्रिल का बीज सही गिरता है और सब कुछ सिस्टम सही चलता है। अब हम आपको बताते हैं कि सीड ड्रिल, आप इसको देखें समतल बिल्कुल एक साथ इसको नीचे खेत में गिरना चाहिए। उसके लिए हम ट्रैक्टर से इसको उठा के बताते हैं। इसको जो है हम चेक कर लेते हैं कि नीचे जमीन में सभी कूण एक साथ नीचे लगे, बैलेंस बनाते हैं। किसान भाई, अब हम चक्के के द्वारा अब आपको बताते हैं कि देखो हमारे सारे कूड़ों में बराबर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रिय किसान भाइयों, अब हम आपको लिए चलते हैं जहां पर हम चने के बोनी करने वाले हैं। वो हम अभी इसमें लगभग 9 इंच की दूरी पर चना की बोनी करेंगे और 20 से बीच की दूरी लगभग 3 से 4 इंच रखेंगे। इससे हमारी जो बीज है वो बराबर 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गिरेगा। किसान भाइयों, हम जो वैरायटी लगाने जा रहे हैं, आज नवंबर है 14 नवंबर में हम चने की बोनी कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी ये लेट नहीं हुई है। इसमें हम लगा रहे हैं सूर्या 10 चना। मंडी में भी हमारा ये चना है, ये सबसे महंगा बिका था। आपसे बताएं, ये इसका उत्पादन भी लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। ये छोटे दाने का चना है, लगभग पूरा पीला रहता है और लगभग 85 से 90 दिन में ये फसल खेत में पक के तैयार हो जाती है। और हमने इसमें DAP मिलाया है। और अब हम लिए चलते हैं जहां पर हम बोनी करेंगे। ये हम अभी 9 इंच की दूरी पर इसको बो रहे हैं और अब हम हमारा ये जॉनडियर ट्रैक्टर है तो इससे हम अब पूरा पश्चिम इस टाइप से बोनी करेंगे और आपको हम चलते हुए भी दिखा रहे हैं। किसान भाइयों, हमने ये ट्रैक्टर खेत के लगभग मेड़ से दूर करके खड़ा रखा है और उसका कारण बता, मेड़ में क्या है कि मेड़ में टेढ़ी एढ़ी मेड़ रहती है तो इसके जो कूण है बराबर वो सही नहीं आते। तो हमने मेड़ से कुछ दूरी पर इस ट्रैक्टर से इसको बोनी स्टार्ट करेंगे और मेड़ की साइड ले जाएंगे, जिससे कि हमारे जो कूण है बराबर एक सीध में आए, बिल्कुल सीध। हम अब इसकी बोनी पूरा पश्चिम को करने जा रहे हैं। प्रिय किसान भाइयों, हमने बीज गिरा के भी देख लिया है। आपको बताएं, ये देखो, ये लगभग 3 इंच की दूरी पर बीज गिर रहा है। ये देखिए, ये 3 इंच की दूरी पर बीज गिर रहा है। इससे क्या है, बीज समान दूरी पर गिर रहा है, बहुत बढ़िया बीज गिर रहा है। हमने सीड ड्रिल सेट कर दी है। अब हम खेत की पूरी बोनी करते हैं। एक सा बीज गिर गया, चलो योगेश बैठे।